तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे पिवट टेबल। पिवट टेबल हमारा टॉपिक है, और पहले जान लीजिए पिवट टेबल एक्सेल का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्यों है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ऑफिस में आप लोग रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, तो रिपोर्ट्स आप क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट क्या होता है, वो समरी ऑफ द डेटा होता है, वो किसी न किसी एंगल पे किसी न किसी डेटा को समराइज किया होता है, राइट। तो समरी ऑफ द डेटा आपका पिवट टेबल होता है, और हम सॉरी रिपोर्ट होता है। डेटा क्या होता है, तो क्लबल इंफॉर्मेशन। और पिवट टेबल की डेफिनेशन सुने, तो पिवट टेबल की डेफिनेशन है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो डेटा को एनालाइज करें, समराइज करें एंड रिप्रेजेंट करने के वी कैन यूज द डेटा। और ऑफिशियल एनवायरनमेंट में 80% 60% रिपोर्ट्स पिवट टेबल से ही बनती है। तो पिवट टेबल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्लोली इसको हम सीखेंगे। ओके सर, ठीक। तो सबसे पहले हमें डेटा को समझना होगा, ठीक है। एक सेकंड सर,
सॉरी सर, एक कॉल आ गया था इशाद जी। तो सबसे पहले आप डेटा को समझिए कि आपका डेटा कैसा है। तो डेटा में पिवट टेबल लगाने से पहले डेटा को समझना जरूरी है, क्योंकि आप पिवट को डेटा को एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन निकालना है, राइट सर। तो डेटा में आपका सबसे पहले की पूरी रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। हेलो इशाद जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, क्लियर है। ओके, अगर पूरा का पूरा रो अगर ब्लैंक है तो आपका पिवट जो है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि पूरा का आपका डेटा नहीं सिलेक्ट होगा, तब आपको पिवट लगाने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा का सिलेक्ट नहीं होगा तो पिवट आपका ऊपर ही लगा जाएगा। अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक ना हो तो चलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपका हेडिंग कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेडिंग के अकॉर्डिंग ही समराइज करता है। तो उसके बाद हम पिवट जाते हैं इंसर्ट में, पिवट टेबल में पिवट टेबल लगाते एंड ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे पिवट टेबल में एक नया ऑप्शन आ गया। साइड में आप देख रहे हैं आपके सामने फील्ड्स हैं। हमने आपको इसलिए बोला था कि फील्ड ब्लैंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक तो होगा नहीं, इसलिए पिवट लगेगा ही नहीं आपका। अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या निकालना है, जैसे कि आपको पता करना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम करते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि मेरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कौन से डिपार्टमेंट में कितने हमारे एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं, बस सिंपल से समरी निकालना है। तो पिवट टेबल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा डिपार्टमेंट को रखेंगे रो फील्ड, ताकि डेटा हमारा जिस भी डिपार्टमेंट रो वाइज आ जाए। अब देखिए पिवट टेबल की खासियत कि यहाँ पे आईटी सिर्फ एक बार में है, बट डेटा में आईटी हमारा हजारों बार है। तो यहाँ पे सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड आएगा, डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद मुझे काउंट चाहिए, तो मैं नेम को उठा के वैल्यू फील्ड में, मतलब कि वैल्यू फील्ड में उस फील्ड को रखते हैं जिसमें काउंट सम मैक्सिमम मिनिमम ऐसे कैलकुलेशन करनी हो उसको रखते हैं। तो ये हमारा रिपोर्ट आ गया। अब इसमें देखिए रो लेवल है, इसकी हेडिंग जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से अपना जो हिसाब से जो अपना जो डिपार्टमेंट है जो भी है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इसको भी कर सकते हैं, इसको भी आप दे सकते हैं, हेड काउंट है तो हमने हेड काउंट दे दिया। उसी तरह से यहाँ आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। चेंज किनको नहीं कर सकते, जो आपकी वैल्यू है जो कैलकुलेटर वैल्यू है उनको चेंज नहीं कर सकते। दूसरी हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। देखिए आप जैसे नॉर्मल डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं ना, उस तरह से आप इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होगा कि जब पिवट में आप रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश क्यों करेंगे, जब आप अपने डेटा को अपडेट करेंगे। मेरा डेटा जैसे ही अपडेट होगा, मतलब कि कोई चेंजिंग होगा, मतलब किसी की सैलरी चेंज हो गई, बढ़ गई घट गई, तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही रिफ्रेश करेगा पिवट अगर इंक्रीज हुआ, जैसे अभी तक मान लो 12 तक है और 14 तक चला है, तो आपका फॉर्मेट जो है नीचे इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेट में ऐसा पिवट से लिंक तो नहीं किया गया, वो तो समझता है कि 12 तक डेटा है उसमें फॉर्मेट कर दिया। लेकिन ऐसी फॉर्मेटिंग चाहिए जो पिवट टेबल के साथ इंक्रीज भी हो डिक्रीज भी हो। तो उसके लिए हमें ऊपर देखिए पिवट टेबल एनालाइज के बगल में आपको डिजाइन दिखेगा, इस डिजाइन वाले फील्ड में जाइए। यहाँ पे आपको पिवट टेबल स्टाइल दिखेगा, तो यहाँ पे बनाए फॉर्मेट है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को आप किसी को भेज सकते हैं। तो पिवट टेबल का एग्जैक्टली वर्क क्या है, समझ में आ गया इशाद जी और मनोज जी? हाँ जी सर। आपको क्या पता होना चाहिए डेटा के बारे में, और आपको इन्फॉर्मेशन क्या निकालना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे इसमें पता करना है कि किस डिपार्टमेंट में के किस महीने में कितनी सैलरी दी गई है, राइट सर। तो हमें चाहिए, इसमें क्या है, अब दो लेजेंड है हमारा, डिपार्टमेंट एंड मंथ। तो हम फिर वापस पिवट टेबल लगाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको रखते हैं डिपार्टमेंट, और हम देखते हैं मंथ को कॉलम में रखेंगे, डाटा कॉलम रो एंड कॉलम वाइज जाएगा,
और जिसका सम निकालना है सैलरी, उसको हम यहाँ वैल्यू में रख देते हैं। टोटल आ गया सर। अब यहाँ भी एक चीज देख रहे होंगे, जिस ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब क्या है कि सेल्स को फरवरी में किसी को सैलरी नहीं दी है सेल्स डिपार्टमेंट ने, इसलिए ब्लैंक है। तो जिस जगह पे ब्लैंक है उस जगह पे आप खुद का टेक्स्ट या किसी तरह का नंबर या जीरो दे लिखना चाहते हैं तो आप करना होगा आपको राइट क्लिक, जाना होगा पिवट टेबल ऑप्शन में और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फोर एम्प्टी सेल शो। यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट है जैसे कि हैश NA नॉट अवेलेबल, डेटा नॉट अवेलेबल, इस तरह कुछ करना है तो कर दीजिए, अदरवाइज आप इसमें जीरो डालना है या कोई नंबर डालना है तो नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, हमने क्या किया मंथ को कॉलम में रखा। अब अभी मंथ को कॉलम में क्यों रखा कि मेरे पास सिर्फ 12 मतलब कि एक साल का डेटा है तो 12 मंथ है इसलिए, राइट सर? हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अगर मान लीजिए आपको 500, 1000, 2000 हुआ तो, क्योंकि आपकी कॉलम का लेंथ तो लिमिटेड है, तो उस समय हम मंथ को उठाएंगे और डिपार्टमेंट के नीचे रखेंगे, मंथ उठाएंगे और डिपार्टमेंट के नीचे हम रखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक के नीचे एक हो जाएगा। अब इसमें देखिए प्लस माइनस का निशान आ गया, एक तरीके से ग्रुप बन गया ना ये। हाँ ग्रुप बन गया। तो ये हो गया कोलैप्स एक्सपेंड एंड कोलैप्स, एक्सपेंड एंड कोलैप्स, ठीक है। तो ये हो जाता है आप समरी ऑफ द समरी, बहुत बड़ा डेटा है तो इस तरह की चीजें कर सकते हो, यहां से एक्सपेंड कर दो कोलैप्स कर दो। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है सर, कि अगर आपको रिपोर्ट किसी को एज ए पिवट टेबल भेजना है देन फाइन, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको कहीं किसी और डेटा पे पेस्ट करके कुछ और कैलकुलेशन करके भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसे प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि कॉलम में ही आपके पास, आपके कॉलम में आपका आई डिपार्टमेंट भी है और मंथ भी है, लाइनोग्राम का तो यहाँ पे हमें चाहिए कि रो अलग हो और कॉलम अलग हो। तो उस केस में हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे। दो तरीके हैं, एक तो इससे कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रो अलग कॉलम अलग, अदरवाइज आप डिजाइन में जा सकते हैं और डिजाइन में जाने के बाद आप रिपोर्ट लेआउट में जाएं और यहाँ पे देखिए शो टेबुलर फॉर्म दिख रहा है, तो शो टेबुलर फॉर्म को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे टोटल दिख रहा है और मुझे टोटल नहीं रखना है, तो आप इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे हटा दें। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि इसको कॉपी करके तो फिल्टर करते हैं, उसमें दिक्कत क्या होता है कि ब्लैंक होता है तो फिल्ट्रेशन में दिक्कत होती है, पिवट में तो फिल्टर हो जाता है बट उसमें नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ इसको रिपीट करना कि यहाँ आईटी हो जाए, यहाँ सेल्स हो जाए, इस तरह से रिपीट करना चाहता हूँ। तो उस केस में भी पिवट टेबल डिजाइन पे जाए और रिपोर्ट लेआउट में आए और यहाँ पे रिपोर्ट ऑल आइटम लेवल। अब मुझे आईटी और सेल्स के बीच में ब्लैंक चाहिए, तो यहाँ पे रो में यहाँ पे देखिए इंसर्ट ब्लैंक, तो आपका ब्लैंक इंसर्ट हो गया, ठीक है सर। अब ब्लैंक हटा दीजिए यहाँ पे, तो राइट क्लिक किया, ब्लैंक जहां से आपने हटाया था उसे लगाया था उसी के नीचे आपका रिमूव ब्लैंक। ये आपको रिपीटेशन नहीं भी रखना है तो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, नॉट रिपीट।
तो मुझे रिपीट ना करके हमें इसको मर्ज करना है ताकि मर्ज हो जाए। तो डायरेक्ट आप मर्ज नहीं कर सकते। तो मर्ज करने के लिए क्या करना होगा कि राइट क्लिक करना होगा, पिवट टेबल ऑप्शन में जाना पड़ेगा और सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा मर्ज, मर्ज शेप, ओके कर दीजिए। आपका देखिए मर्ज हो गया। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। अब दूसरा, कभी कभी हमें ये भी दिक्कत होती है कि देखना मैं, अब देखिए यहाँ पे आईटी के इसमें आईटी के फरवरी में इतना सैलरी 166,000 दिया गया है, तो मुझे पता करना क्या कि कौन है, एक बंदे को देके गया या ज्यादा, हमें इसका डेटा चाहिए। तो इसकी डेटा के लिए जनरली आप लोग क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे अपने डेटा में जाके, तब जाके उसको कॉपी करेंगे। लेकिन जस्ट आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, आपका एक नई शीट ऐड होगा और इससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बस डबल क्लिक करते हैं तो ये आपका जल्दी फास्ट होगा। और दूसरा चीज होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, उनकी दिक्कत क्या होती है कि वो डबल क्लिक करना उनका आदत होता है, एक डबल जहां तहां डबल क्लिक करते रहते हैं, तो डेटा भी डबल क्लिक किए तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब कि ये फीचर्स को रिमूव करना है कि ये फीचर्स नहीं होना चाहिए हमारे पिवट में। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ डिस्प्ले में नहीं डेटा में, माफ कीजिएगा डेटा में, यहाँ अनेबल शो डिटेल्स को अनचेक कर देंगे एंड ओके करेंगे। अब जैसे हम इस पे डबल क्लिक करें, देखिए आपको नहीं दिख रहा है सर, ये आपका पिवट हुआ। अब इसमें अगर मान लीजिए टोटल था, अब मुझे टोटल के जगह पे कुछ और चाहिए, तो हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, शो वैल्यू एज पे जाएंगे, सॉरी माफ कीजिएगा यहीं पे शो वैल्यू, तो मैं कल पढ़ाऊंगा। हाँ, या सम काउंट एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, इस तरह से चीजें आप निकाल सकते हैं, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये आपका पिवट टेबल का समराइजेशन है, मतलब कि पहला पार्ट है। अब प्रॉब्लम है कि इससे आगे आपका आएगा क्या बोलते फिल्टर एंड बाकी चीज, लेकिन उससे पहले आपको पिवट टेबल पे अच्छा खासा प्रैक्टिस करना होगा। देखिए पिवट टेबल इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि 60% 80% रिपोर्ट्स जो है पिवट टेबल का रोल होता है उसमें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर आपको फास्ट फास्ट कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो उसके लिए पिवट से बेटर कोई नहीं, समझ गए? और दूसरी चीज, आप लोगों ने मेरे डेस्कटॉप पे देखा होगा कि मैं पावर बीआई और टैबलू दो चीज यूज का लगा रखा है, तो दोनों सॉफ्टवेयर पिवट टेबल के बेस्ड है, समझ गए? हाँ जी सर, मैं आपको इसका भी काम भी यही होता है, मतलब टैबलू का और इसका पावर बीआई का। हाँ, पावर बीआई देखिए क्या है कि पिवट में लिमिटेशंस है, जैसे कि सिंगल डेटा पर नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि पिवट एक्सेल से रिलेटेड है, लिमिटेशंस है। बट हुआ क्या, पावर बीआई और टैबलो जैसे चार्ट हो गया, ग्राफ्स हो गए, माने कि उसको बोलते हैं विजुलाइजेशन, समझे? डायनेमिक विजुलाइजेशन के लिए एक्सेल में काफी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन पावर बीआई और टैबलो में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो एक एक बड़ी रिपोर्ट मतलब विद इन सेकेंड में या विद इन मिनट में बना सकते हैं, सिंपल सा मैं एक बता रहा हूँ आपको, दो मिनट बैठिए। हाँ जी सर, ताकि आपको आइडिया हो जाए ना सर। हाँ सर, आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या काम करना है। हाँ, जैसे कि मैं यहां से एक एक्सेल फाइल ओपन करता हूं, मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल ले लिया, एक्सेल फाइल का जैसे जैसे कि डेटा को सिलेक्ट किया एनो, तो ये डेटा हमने लोड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट एक इन्फॉर्मेशन निकालनी है, हम जाते हैं और यहाँ पे देखिए मैं डिपार्टमेंट को रो में रख देता हूँ एंड मंथ को कॉलम में रख देता हूँ और सैलरी को
यहाँ रख दिया, ये नंबर वाइज हो गया। अगर मुझे ट्री मैप चार्ट चाहिए, देखिए ट्री मैप चार्ट बन गया। बस क्लिक करते जा रहे हैं, आपकी विजुलाइजेशन चेंज हो रही है, ठीक है सर? हाँ जी सर, बहुत इजी है। उसमें तो ग्राफ हमें टेबल सिलेक्ट, मतलब डेटा सिलेक्ट करके फिर उसमें ग्राफ में जाना पड़ता है, यहाँ से क्लिक करने पड़ रहा सीधा एक बार में। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे एक तो हो गया हमारा ये सीट टू हो गया, एक और ऐड कर लेता हूँ। देख सीजिए, जैसे कि मैं इस बार मैं मंथ को लेता हूँ, रो में रखता हूँ, और मैं इसको सैलरी को लेता हूँ, टोटल में रखता हूँ। अब इसका जो है मैं ये ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, और अब देखिए, अब यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना है, यहाँ पे डैशबोर्ड वाले सेक्शन क्लिक कर लीजिए। आपने जितना भी बनाया हुआ है ना, उठा के बस पुट कर दीजिए। ठीक है सर? हाँ सर, ये तो बस उठा के रखना है सिर्फ, फिल्टर वगैरह चीज यहाँ पर। सो पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, ऑनलाइन भेजना है ऑनलाइन भेज लीजिए। तो ये इस तरह से यूज किया जाता है टैबलो का, जो कि पिवट टेबल की जैसा ही है। पिवट टेबल में यही करते हैं, रो और कॉलम में रखते हैं, कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसलिए बोला आपको, तो आप क्या कीजिए सर, आपके पास कोई डेटा हो, उसी डेटा पे मुझे तकरीबन 10 पिवट टेबल का एग्जाम्पल बना के मेल करें सर, समराइजेशन का, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि आपके पास पिवट की कितनी नॉलेज है। 10 एक इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से फिर दूंगा। तो मान लीजिए कि मुझे पता चला कि आपको नॉलेज पहले से होगा, मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे दूं, पता चला कि आपके पास नॉलेज नहीं हो, मैं क्रिटिकल एग्जांपल दे दिया, समझ में नहीं आया, सो आप जो है मुझे बताया कि मतलब कितना आता है, मुझे बना के भेजे, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। है सर? ठीक है, ठीक है, कल सेम टाइम मिलते हैं और हम पिवट टेबल का इंतजार करेंगे आपका। ओके सर, ओके।